इस घड़ी में ऐसा क्या कहूँ आप मुझे बताइए, इस घड़ी में ऐसा क्या कहूँ आप मुझे बताइए। मैं फतेह बुलाऊं, मैं अल्लाह को याद करूं या मैं राम का नाम लूं, आप मुझे बताइए। ऐसा क्या कहूं कि वो फर्जी राष्ट्रवादी ये समझ जाएं कि यहाँ सिर्फ एक मजहब की आवाज़ नहीं बोल रही, यहाँ एक किसान बोल रहा है, किसानी बोल रही है, इंसान बोल रहा है, इंसानियत बोल रही है। मैं जब सोच रही थी कि आज मैं इत्थे आके अपने विचार सांझे करने ने, तो मैं शुरुआत किदां करां, मैनू हजे तक नहीं समझ लगी, पर थोनू सारियां नू इत्थे बैठियां नू देख के मेरा सिर थोड़े मूहरे झुकदा है, इज्जत नाल, अदब नाल, सम्मान नाल, क्योंकि तुसी निरंतर इस अंदोलन नाल जुड़े हुए हो, तो मैं माण महसूस करती हाँ कि मैनू इस अंदोलन का एक हिस्सा बनने का मौका मिलिया। मैं सरदार हरमीत सिंह उन्हां दा धन्नवाद करना चाहनी हाँ कि मैनू उन्होंने ओपरचुनिटी दिती है। मेरा नाम गुरकमल कौर सिख हूँ, मैं लुधियाना शहर की रहने वाली, पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की PhD की विद्यार्थन हाँ। मैं एक अजिहे परिवार नू बिलोंग करती हाँ जिथे खेतीबाड़ी सिर्फ साड़ी आमदन का साधन नहीं है, साड़ा माण है, साड़ा वजूद है, साड़ी होंद है। मेरे फादर साहब, मेरे मदर, मेरे ब्रदर आज सारे इत्थे पहुँचे ने, अपनी फैमिली नाल मैं इत्थे आई हाँ। जदों भी पापा इत्थे अंदोलन शामिल होने लई आउंदे सी, ते जदों घर वापस आउंदे सी, मैं उन्हां नू इक्को ही सवाल पुछदी सी वी पापा तुहानू उत्थे जाके किदां दा लग्या, उत्थों दा माहौल किदों दा सी। पढ़ तो असीं लैंदे हाँ, वीडियो तो असीं देख ही लैंदे हाँ, पर वो मूहों कहे जज्बात जिहड़े ने ना, उन्हां दा अलग ही स्वाद है। मैनू पापा ने बड़ा लंबा पॉज लैके ये गल कही भी बस तू उत्थे जाके समझेंगी भी उत्थे पहुँचना किन्ना जरूरी है। अज वाकई इत्थे आके मैनू इदां दा महसूस होया कि इत्थे पहुँचना किन्ना जरूरी है। मैं कोई बहुत वड्डी शख्सियत नहीं, मैनू बहुतियां वड्डियां गल्लां नहीं करनियां आउंदियां, सधारण जी इंसान हाँ, मेरियां सधारण जी गल्लां नहीं, थोड़े झूठ नहीं मैं मारदी, मेरे 5 तों 6 मिनट ने, 2 मिनटां वाली गल नहीं गी, इसलिए मैं मैडम नूं बेनती कर दिंदी तुसीं बैठना चाहुंदे तुसीं बैठ सकदे हो। सब तो पहली गल तां इह कि 8वीं 9वीं दीआं किताबां च शुरू कर दिंदे असीं पोलीटिकल साइंस, असीं हिस्टरी पढ़ना, पढ़दे हुंदे सी वी 1819 च, सन 1919 च ये अंदोलन होए, ये प्रोटेस्ट होए, तां जाके सानू साडे बुनियादी हक मिले, अगे पढ़िया सी हुण अखीं देख लिया, ये बहुत वड्डी गल है। नौजवान पीढ़ी नू मैं कहना चाहुंदी हाँ कि ये साडा फर्ज बनता है कि आने वालियां पीढ़ियां नू असीं दसना है कि किहो जिहे हालातां विच, किहड़े वेलियां दे विच, करोना वेले इन्नी ठंड दे विच ट्रालियां भर भर के सारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान ते कित्थों कित्थों दे किसान इत्थे इकट्ठे होए, हत्थां दे विच सिर्फ झंडियां फड़ के साडे हक्कां खातर उन्होंने ये जंग लड़ी, ये साडा फर्ज बनता है, क्योंकि किताबां च सरकार की छापदी है सानू नहीं पता, असीं उन्हां ते भरोसा नहीं कर सकते, ये साडा फर्ज बनता है कि असीं आने वाली पीढ़ियां नू दसना है, ना असीं खुद भुलना है, ना असीं भुलण देना। मैनू बड़ा माण महसूस हुंदा है कि अलहदा करन वालियां सारियां ताकतां जमा के देख रही है सरकार, पर ना साडा किसान थकिया, ना टुटिया, ना मुड़िया, ते ना रुलिया, इत्थे डट के खड़ा। मैं मोदी जी दी स्पीच सुन रही सी, ते उन्होंने ये गल कही भी किसान नू ये अंदोलन छड़ के आपो अपने घरे पहुंच जाना चाहिए, बाद दे विच बातचीत करके थोड़ी समस्यावां दा हल कढ़िया जाऊगा। मोदी जी तुसी किनू पागल बनाउने हो, थोड़ियां गल्लां दा विश्वास असी किद्दां कर लिए, जे तुसी साडी समस्यावां दा हल कढ़ना सी तां 11 rounds of discussion 11 दौर डिस्कशनां तों बाद भी तुसी साडे बिल हजे तक वापस नहीं लए, ये काले कानून तुसी वापस नहीं लए। जे थोनू साडा इन्ना फिकर हुंदा ता ये 11 rounds of discussion बेस सिट्टा ना निकल दिया, थोड़ा विश्वास अदा किदां कर लिए, तुसी की कीता।
तुसी मीडिया चैनल खरीद ले, जेड़े थोड़े बहुत सच्ची कवरेज करते सी, सच पहुँचाते सी, उन्होंने जर्नलिस्ट नू तुसी नॉन बेलेबल ऑफेंसिस दे विच अंदर कर लिया। वाटर कैनन्स तुसी साढ़े ते यूज किए, टीयर गैस के गोले तुसी छड़े, लाठी चार्ज तुसी कीता, किल्ला तुसी गड्डियां, जेड़े साढ़े फार्मर्स नू सपोर्ट करने वाले ट्विटर अकाउंट जा इंस्टाग्राम हैंडल सी उन्होंने तुसी सस्पेंड करता। साढ़े बेसिक राइट्स सीगे, पानी, सैनिटेशन, फूड, उन्हों का प्रबंध तुसी बंद करता। साढ़े कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ने पीसफुली प्रोटेस्ट करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन, उन्होंने तुसी वायोलेट करी जाने हो। 200 तो वध बंदा तुसी अंदर करता, बिना इन्वेस्टिगेशन किते तुसी अरेस्ट कर लिया, 100+ बंदा इलीगली तुसी डिटेन करता, NIA साढ़े पिछे तुसी लाती, पुलिस साढ़े पिछे तुसी लाती, तुसी किद्दां कहने हो असीं थोड़ी गल ते विश्वास कर लिए, असीं तां नहीं करदे, किहड़े कॉन्फिडेंस नाल कहने हो। 26 जनवरी नूं 7-8 रूटां ते अलग अलग रूटां ते ट्रैक्टर परेड होई, इन्ने हजारां की गिणती दे विच ट्रैक्टर गए, उन्हां नूं तां तुसीं दिखाया नहीं जिथे सब कुछ पीसफुल सी, जिथे कोई हिंसा नहीं सी, जिथे दिल्ली दी सरकार, दिल्ली दे लोकां ने फुल बरसाए सी, उत्थे तां तुसीं कुछ नहीं दिखाया। श्री अकाल, बस की दसिया, लाल किला, लाल किला, लाल किला, 500,000 बंदा होगा उत्थे, वह भी पता नहीं किदां एक्सप्लॉइट किए ने, तुसीं जानते ही हो। मन की बात, मन की बात, मन की बात, साड़ी तो मन की बात तुसी सुनते नहीं, आप दी दसी जाने हो। मोदी जी कहते हैं, सरकार ये कहती है कि ये किसान जो है वो समझ नहीं पा रहा, हमारे पास आइए, हम आपको इन बिलों का फायदा बताएंगे। मोदी जी की समस्या ये नहीं है कि किसान समझ नहीं पा रहा, मोदी जी की समस्या ये है कि किसान बहुत अच्छे से समझ पा रहा है जो आप सीधा कह रहे हैं और जो आप सीधा नहीं भी कह रहे हैं, सब समझ आ रहा है मोदी जी। हमें दिख रहा है कि चंद पूंजीपतियों के फायदे के लिए आपने ये बिल लेके आए और आप उनको अब वापस नहीं ले रहे। वो चंद पूंजीपति कौन है ये आप जानते हैं, जो कॉरपोरेट बड़े बड़े घराने हैं। एक स्पीच थी अभी पार्लियामेंट में जब बजट पेश हुआ 2018 में, इंडियन पॉपुलेशन 1% इंडियन पॉपुलेशन दे कोल 58% भारत की जायदाद सी 2018 दे विच। एक सिंपल जिहा अंकड़ा समझण की कोशिश करो, ते एक साल के अंदर अंदर 2019 दे विच ये 58% जायदाद 75% होगी उसे 1% पॉपुलेशन दे कोल, जो असीं कई जाने हाँ भी वेचता वेचता, किनू वेचता, इन्हां नू वेचता, हॉस्पिटल्स वेचते, एयरलाइंस बेचतियां, रेलवे भी, बस सारा कुछ तो बिक गया, एक एग्रीकल्चर सैक्टर तो रह गया सी जिहड़ा एक स्टेट मैटर सी, उहदे विच भी तुसीं टंग अड़ाउणी आ। एक क्यों एक स्टेट मैटर है, पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, यूपी, इन्हां दी मिट्टी अड्ड है, इन्हां दा वातावरण अड्ड है, इन्हां दीआं फसलां अड्ड ने, किद्दां तुसीं इक्को कानून च सारिआं नूं बन्नी जांदे हो, कित्थों दी समझदारी है। संजय सिंह जी, मैं स्पीच सुन रही सी ते उन्होंने बड़ा सोहना मीणा मारिया सरकार नूं, कहिंदे धरा बेच देंगे, धरा धरती नूं, धरा बेच देंगे, आसमान बेच देंगे, धरा बेच देंगे, आसमान बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी एक दिन ये वतन बेच देंगे। एक मिनट बस, मैं वाइंड अप करना चाहनी हाँ भी, इंस्टाग्राम ते ना एक हैंडल है गुरगालब करके, गुरपाल फिल्म्स, उन्हां दी मैं डॉक्यूमेंट्री एक महीने पहला कुछ काफी दिन हो गए सुनती सी, अज मैं इतों तुरी आँदी सी ना तो मेरे जहन दे विच उस दी डॉक्यूमेंट्री दी जिहड़ा वॉइस ओवर सी वह चल रहा सी। मैडम मैंने 2 मिनट दिओ, वह कहिंदे भी असी चढ़ती कला बारे बहुत बार सुनिया पढ़िया कदे कदे जकारा भी लाया, पर चढ़ती कला का असली मतलब की है वह इत्थे आके महसूस हुंदा। अगे उहदा जिहड़ा अर्थ सी ना वह धुंधला सी, ख्याली सी, ना देखिया सी ना हंडाया सी, भावें किसानां दे चेहरियां ते फिकर है, बुल्लां ते होए धक्कियां दा जिक्र है, पर फिर भी किसान चढ़दी कला च है। कुछ दियां अखां विच पाणी है, दर्द दी कहानी है, कोई सट याद आई पुराणी है, पर फिर भी किसान चढ़दी कला च है। असीं तां आही कहना चाहुंदे आ सरकार नूं, डर ना सज्जणा, असीं कुछ नहीं कहिंदे,
गल मन जा आ कोल खलो जा हंकार गुरूर होमे छड़ के तू भी चढ़ती कला विच हो जा, तू भी चढ़ती कला विच हो जा। जांदी जांदी मैं धन्यवाद करना चाहनी हाँ उन्हें मीडिया हाउसेस जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स जा जिहड़े बिना डरे जिन्होंने हजे तक अपना जमीर नहीं वेचिया, रवीश कुमार NDTV कैरविन मैगजीन जिन्हां नाल मनदीप पुनिया जिहड़े हुणी अरेस्ट होके हटे आ, बाकी ट्रॉली टाइम्स जिहड़ा